अगर माँ मुझे यहाँ लाई है ना, बस मैं यही कहती हूँ मेरे अंतिम समय भी यही बीते। पढ़ाई कर लिया बस, निबंध करे पहले, एक बार खेल ले दो, हारने दे इसको, मर गया तो कहीं ना कहीं। एक पहली पुल पीछे गिरा था और ये भी पुल बड़ा खतरनाक तरीके से हिल रहा था, ऐसे हिलना कोई चाहिए? साड़ी चेंज करनी पड़ी है और इस लड़की को दी है मैंने सुबह सुबह, क्योंकि मैं जा रही हूँ देहरादून सपना के पास, और मैं सुबह फ्रूट्स दिए तो कह रही है कि फ्रूट्स मत दो मुझे। कल भैया ने ना सुबह सुबह मतलब अमरूद देने गई थी, एक अमरूद इतना बड़ा, अरे भैया थोड़े छोटे दे दो, पूरा अमरूद खाना पड़ेगा। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भी कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक फोग है और 9 बज रहे हैं और मुझे अभी देहरादून जाना, मैं 10 बजे करीब निकल जाऊँगी। अब क्योंकि अभी फोग थी तो मैंने जाना ठीक नहीं है, और आज फास्ट भी है मेरा, बहुत दिनों से हो रहा था उधर जाने का, मैं ही नहीं जा पा रही थी, वो तो आते रहते थे। अब मैं आज मैं जाऊँगी, दिया को नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन आज वाकई मौसम ठंडा है और मुझे ना दिया की हुडी पहन के आनी होती है, तो मैं छुप छुप के पहन के जाती हूँ। इतनी बड़ी ले आई है, बड़ी बड़ी पहनती है, अपने पापा जी की एक जैकेट है वो पहनती है। तो मैं बाहर आके ड्राइंग रूम में रखी थी पहले, फिर पहन के आई हूँ उसको। ऐसे बच्चों के कपड़े ना छुपके पहनने पड़ते हैं, बच्चे हमारे पहन सकते हैं ओपनली, लेकिन हम जब पहनेंगे ना तो फिर, और स्पेशली ऐसे कपड़े तो छुप छुप के पहनने पड़ते हैं। क्या जमाना आ गया है। अब प्रॉपर वॉक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रैक को भी टाइम कम रह गया है। आज मैं ही चला रही हूँ खाली, और थोड़ी सी फिर ना समस्या तो नहीं होगी कुछ भी, मेरी शक्ल में कम दिखाऊंगी। अच्छा। और अपने मनपसंद भजन सुनती जाऊंगी। आज मैं ना थानो रोड से जा रही हूँ, हमेशा उधर से जाती हूँ ना एयरपोर्ट से, जहाँ से आती हूँ आज वहाँ से जा रही हूँ। मैं उतर गई, दिन का टाइम था ना, रात को तो लगता है कि थोड़े जानवर वगैरह का डर लगता है, वैसे होता नहीं है, ये रोड वहाँ तक तो वो रहता है थोड़ा सा ना, और यहाँ के गुजर बैठे रहते हैं, यहाँ के गुजर रहते हैं तो थोड़ा वो डर निकल जाता है, बीच का थोड़ा सा हिस्से में रात को लगता आते वक्त। अच्छा लग रहा है आज। बस दिया भी बोल रही थी एक बार, पर फिर पढ़ाई जरूरी है पहले उसकी। ये देखिए नेचुरल वो है, ऊपर ब्यूटी देखिए, ये थाना रेंज, थानो रेंज इको पार्क जाया जा सकता है इसमें। मैंने पानी पीने के लिए वो किया था ना तो ये आया। अभी मैं इस पुल पे खड़ी होकर यहाँ ना पानी पी रही थी कि छोटा स्पेस मिला ना मुझे, ये पुल बहुत ट्रक गया है, आप सोचो ये पुल इतनी बुरी तरह से हिल रहा है, पूछो मत। एक पहली पुल पीछे गिरा था और ये भी पुल बड़ा खतरनाक तरीके से हिल रहा था, ऐसे हिलना कोई चाहिए? या तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पता नहीं, मैं फिर आगे बढ़ा दी गाड़ी भैया। हम हर पल रोते रहते हैं, ईश्वर ये कर देता ईश्वर वो, सामने वो भैया बैठे हैं गाड़ी में, सीमेंट के उसमें ट्रक में, देखिए क्या जिंदगी, सीमेंट कितनी नुकसानदेह होती है ना, और उसको नींद भी आ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, तो हर पल भगवान का को ना थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें ऐसा जीवन दिया है। देखिए नहीं तो जीवन कैसे कैसे गुजर होता है, ये देखो वही जानता है, नींद भी आ रही है, मुंह खुला हुआ है, सीमेंट के कट्टे उठाता है, हैं, हर पल उनका धन्यवाद दिल से देना चाहिए। हम रोटी खा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं, और किस तरीके से कमा पा रहे हैं वो भी देखिए, और एक इंसान है, कहीं ना कहीं होगा, शरीर को नुकसान होगा इतना ज़्यादा, और परिवार के लिए लेकिन पेट तो भरना है, इसलिए हर पल धन्यवाद देना चाहिए सच में कि भगवान ने जिस हाल में भी रखे और हम उनसे अच्छी हालात में हैं, और जैसे भी जो वो सर्कमटेंस होते हैं ना, वो तो चलता ही रहता है जीवन में, अप डाउन तो चलता ही रहता है, लेकिन हर पल कि हे ईश्वर तूने मुझे ये जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं सोसाइटी में आ गई हूँ, अभी जाती हूँ, यहाँ ना कुछ अजीब सा लगता है, अपना तो आदत पड़ गई है ना। आज बरसों बाद
ये गए थे कहाँ, कश्मीर। कश्मीर। और कितने सालों बाद, शुरू शुरू में ये बहुत वो कहवा बनाते थे तो घर में कहवा पीते थे, आज मौका मिल गया पीने का। कश्मीर से कहवा लाया, अगली बार जाओ तो मेरे लिए जरूर लेके आना, ठीक जरूर। है। ये मिल गया, देखो लेपर्ड का जिक्र यहाँ भी आया, तुमने लेपर्ड देखा है आसपास? हमने नहीं देखा पर हाँ ऐसे न्यूज़ आई है। मेरी तरह कुत्ते ही देखती है, कुत्ते बंदर हैं यहाँ पे, इतने लेपर्ड होते हैं कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बोलते हैं ना, सामने नहीं आया। यहाँ देखिए पूरा जाम लगा हुआ है इस टाइम, मुझे लगता है कि ट्रैफिक ना, फिर ये जब वीक डे आते हैं ना, वीकेंड आता है तो इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। 6:15 बजे पहुँची हूँ मैं, आज ना शिवोहम का जन्मदिन है तो बच्चे गए हैं पार्टी में, और ये मैंने ना बॉबी भैया को एक फ़ोटो दी थी, क्या कहते हैं शर्मा जी के, इन्हें संभाल, मम्मी ने दी थी मेरे को कि तू संभाल के रख ले, तुम्हारे पास संभली जाएंगी, तो बहुत पुरानी पुरानी मम्मी की शादी की फ़ोटो थी, तो ये थी, ये बॉबी भैया ने बनवा के दी। फिर मैंने उनको फ़ोटो व्हाट्सअप की थी, पापा जी, मम्मी, शर्मा जी और ये बॉबी भैया, मोनू भैया नहीं हुए थे तब तक, तब ये इतने छोटे, मोनू भैया तो बहुत लेट हुए थे, तो इन चारों की कितनी प्यारी फ़ोटो है। तो इसको यहाँ एक फ़ोटो का अंदर करके और उसको लगाना होगा, देखूँगी कहाँ लगाऊँगी मैं। ये दिया की फ़ोटो है ना, इसको कहीं शर्मा जी की फ़ोटो के साइड लगाती हूँ। ये वो आ रही है वो आजकल इंस्टाग्राम पे चला, मेरी मर्जी मैं कुछ भी कर, दिया को फ़ोटो दिखाऊँगी मैं, कहेगी मेरी माँ कैसी है, मेरा मजाक उड़ाती है। देखो वो चश्मा पहन के बोलता रहता है ना, जो आटा वाटा मुँह पे लगा के रहता है, ऐसी लग रही है ना इसमें। ए लद्दाख जाने वाली, इधर आ जा, दिखा दे जरा, ये देखो इसके पीछे आ रही है। तू क्या सोचती है मैं आ नहीं पाऊंगी? मैंने बोला तू कहाँ जा रही, करी नीचे, मैंने कैसे लग रहा लद्दाख जा रही नहीं, जैसे पहले आई थी वैसे अभी राउंड लगाएगी ना, लग रही थी अभी राउंड लगाएगी ना, फिर दिखाऊंगी। अब देखो, देख लो इसको बदरिया को, इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख लो इसको लद्दाख से आई है, बहुत ठंड लग रही थी। मेरा व्रत खुलेगा इससे, आलू और क्या कहते हैं चाय, और आज सपना ने भी हलवा खिला दिया, मैंने कितने दिनों बाद मीठा खाया, और ये रेनू ने हलवा भेज रखा था, मतलब खिलाया नहीं, मैंने ही बोला था कि मेरा व्रत है तो हलवा खा सकते हैं पर अब नहीं खाऊंगी, ठीक है ना। जिंदगी के असली मजे, फिलहाल तो बंद है गाजर का हलवा, दिया ही दे रही है। दिया कल डंकी देख के आई है, कैसी पिक्चर बहुत अच्छी। मैंने बोला डंकी डंकी तो तुम खुद ही हो, एक दूसरे की शक्ल देख लेते। डंकी का मतलब वो नहीं होता है, क्या होता है डंकी का मतलब? वो डोंकी है, इलीगल तरीके से वो। कैसी पिक्चर है, पिक्चर बता, अच्छी लगी? क्या 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 हो रहा, फोन भी चल रहा है पीछे पीछे, मेरी नजर तेरे ऊपर है, मैं माँ हूँ, दो आंखें आगे हैं तो दो पीछे भी हैं, तो क्या वो क्या है उसके अंदर, फोन बंद कर, अभी बताऊंगी ना, रुक जाओ। क्या हो रही है, कहाँ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है, गेम खेलो जा रहा है, गेम खेल रही है ये, हलवा खाते टाइम ये कुछ भी करते टाइम गेम के दिया। मैं ये मुक्का देखा है ना, पढ़ाई कर लिया बस, निबंध करे बार खेल ले दो, हारने दे इसको, मर गया तो कहीं ना बिल्कुल नहीं, कह रही मैं मर जाऊंगी, रुक जाओ गेम में। हाँ बता। बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ। उसमें ये बताया था कि कैसे मतलब लोग इंडिया में जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जिनका वो टेस्ट पास नहीं हो पाता, वो कैसे इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री जाते हैं, पूरे मतलब 3-4 देश को मतलब वहाँ पे करके क्रॉस करके, तब भी फिर वहाँ पे जाके वो भीख ही मांगते हैं यहाँ पे तो वो बच्चे तेरी तरह गेम खेलते रहते होंगे, वो बच्चे गेम ही खेलते रहते होंगे। हाँ अभी 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 आके इस पे ना ऐसे नजरें रखी जाएगी, जल्दी खा लेगा हलवा, ये पता कुछ भी खाती है तो उस टाइम ये इसके ड्रामे चलते हैं ये। जरा मैं गंगा जी हो जाऊं, तेरे को डोंकी बनाती हूँ आके मैं, तो डंकी देख के आई है ना, मैं तेरे को डोंकी बनाऊंगी, ठीक है। अब किसी को क्या हाल चाल बताए यहाँ का, जैसे आज क्या 10:30 बज गए हैं, अभी तक ना धूप प्रॉपर नहीं है, कल अच्छी धूप निकल आई थी, तो क्या बताए, कोई कहते कि भाई बताओ मेघा मेरे पीछे पड़ी हुई है, कैसे हालात हैं, कैसे मौसम है, तो क्या बताऊँ। अभी कभी धूप होती है, अभी वैसे धूप अच्छी निकल आएगी, लेट निकल आएगी, सुबह शाम थोड़ी ठंड है। इसको कर दिया इस, ये भी होगा, ये वाला भी होगा पूरा ऊपर तक, और इसको ये ऐसे ही रहेगा, तो ये बेचारे वो जब वो आके बैठते हैं बैल वाल, वो कहाँ से बैठेंगे आके। ये हमारे यहाँ पे आके टॉयलेट करते थे ना लोग, अब ये है कि कुछ तो हो जाएगा यहाँ पे, बहुत यहाँ सीढ़ियों पे इतनी बदबू, मैंने कितनी बार दिखाई है, ये पूरा बंद हो जाएगा, ये भी दोनों साइड बंद हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। चलो बच्चों को किसी काम में सब, उनकी एनर्जी को ना
असल में उनकी एनर्जी को सदुपयोग में लाना चाहिए, हम उनको पढ़े पढ़े छोड़ देते हैं। ठीक है कि भाई पढ़ रहा है पढ़ रहा है, पढ़ते कितना है वो देखो, पढ़ाई के चक्कर में फोन में पढ़ाई हो रही है, फोन में पढ़ाई हो रही है, कभी गेम चल जाता है, कभी फोन खुल जाता है, कभी कुछ खुल जाता है। तो इसलिए उनकी एनर्जी को थोड़ा, शर्मा जी भी कहते थे हम जब टेनिस खिलाते थे ना, कह रहे इस उम्र में ना दिमाग भटकता है बहुत ज्यादा बच्चों का, तो उनके पास एनर्जी तो बहुत होती है लेकिन वो एनर्जी इधर उधर लगाते रहते हैं, हैं? तो उनकी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए उनको काम पे लगा दो किसी तो कभी कभी एक, अभी देखो एक डेढ़ घंटा वो गेम खेल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? अब हम लेके जाते नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको ये मत करो, इसीलिए मैं उसको अभी उन सबको सारे डंकियों की एनर्जी लगा रही हूँ मैं टाइम पे उनको, कि मेरे दिमाग में आइडिया आया देख के, मुझे पता है वो इस टाइम पे कई बार खाते खाते गेम खेलती है, मना भी नहीं कर सकते ज़्यादा पर लत लगनी बुरी है ना। तो अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि बच्चों को लेके जाएंगे सारे अपने, इनकी एनर्जी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो इनको एक डेढ़ एक घंटे में आधे घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता, कोई नहीं आईएएस टॉपर बन रहे हैं और हम ऐसी डिमांड भी नहीं है, जो करेंगे अच्छे से करें बस। और ये देखिए मैं कहीं भी चले जाओ, सच में गंगा जी जैसी जगह मेरे को नहीं दिखती कहीं भी, और ओहो यहाँ से मैं जल लेके जाऊंगी। अब जो मेरी पोजीशन है ना गंगा जल लेने की, वो मैं ही बता सकती हूँ जिस पोजीशन में मैं ले रही हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठ भी जाती हूँ, घर जाके पूजा बाद में करूँगी। और ये छोटी छोटी चिड़िया देखो कैसे उड़ रही हैं, ये हम आए थे ना तो पहले मैं और शर्मा जी उधर से परमार्थ निकेतन के वहाँ से बैठ के देखते थे, जाती हैं नीचे पानी पियेंगी गंगा जल में लेंगी और फिर ऊपर उड़ जाती हैं, नीचे जाती हैं बिल्कुल, देखो ये मछली के चक्कर में भी जाती हैं, और पीछे बादल देखिए। मैं कहीं भी चली जाऊं, मतलब चलो देखिए शहरों में भी जाना पड़ता है, वहाँ की भी जरूरतें आजकल बन गई हैं, पर अपने ऋषिकेश में आके ना हर बार मैं यही कहती हूँ, रास्ते में जंगल जो होता है उस रास्ते पे जंगल होता है वो बहुत अच्छा लगता है, गांव देखने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि शहरों की चकाचौंध ना वो फीकी लगने लगी इन सब के आगे, मुझे जो मेटरलिस्टिक वो थी ना मेरे को वहाँ भी पसंद नहीं आते थे, दिल्ली में भी जब शर्मा जी बोलते थे और कहाँ चलेगी बता दिल्ली में क्या है, या तो कॉम्प्लेक्स होता था, कॉम्प्लेक्स ही हमारा सेकंड घर था अपने घर के बाद, और उसके बाद फिर बोलते वहाँ चल अगर कभी घूमने जाना है तो चल मॉल चलेंगे, मैंने कहा मुझे नहीं जाना मॉल मॉल मॉल, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ थी वो खींचती थी, और फिर यहाँ आके जो बैठने में आत्म शांति मिलती है ना सच में, जो अनुभूति होती है मैं कहीं भी हो आऊँ जो ऋषिकेश में मिलती है, अब लोगों को कुछ भी लगता होगा बहुत सारे आते हैं वो आते हैं, लेकिन हमें जो शांति मिलती है हम अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं आपका ना एक अंदर से जो पीस है ना, भीड़ भाड़ भी होती है उस भीड़ भाड़ को ना देख के, जब भीड़ भाड़ ना हो और कम लोग हो, या फिर भीड़ भाड़ में भी कहते हैं ना भीड़ में भी अकेले रह जा सकता है, तो वो सबका आनंद यहीं पे मिलेगा आपको, अद्भुत ऊर्जा है सच में, अद्भुत ऊर्जा है, मतलब कहीं भी हो वापस यहीं आना है, और यहीं आके मैं पता नहीं कभी कोई कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, या मैं सोचती हूँ कि आगे पता नहीं कहाँ, क्योंकि देखिए ईश्वर के आगे अगर मैं बोलूँगी कहीं नहीं जाना मुझे यहीं रहना है तो वो भी नहीं होता है, ईश्वर भी सुन रहे होते हैं, अच्छा जी ये चैलेंज हो रहा है मुझे, कहीं ना कहीं कुछ कोई तो है जो सुन रहा है, तो ऐसे चैलेंज भी नहीं करना, पर जो भी हो मेरी माँ गंगा से तो यही वो रहती है, माँ गंगा आपके यहीं पे ही आए हैं और यहीं से ही आप में ही सब लीन हो जाएं, इतना आशीर्वाद तो दे ही दे माँ गंगा, जैसे शर्मा जी गए हैं वैसे ही यहाँ से विदाई हो, अगर माँ मुझे यहाँ लाई है ना बस मैं यही कहती हूँ मेरे अंतिम समय भी यहीं बीते, यहीं से जाऊं मैं